जाओ, तो इस प्रकार से यह बताने का प्रयत्न यहाँ पर कर रहा है।
क्या कह रहा है, किस प्रकार से कह रहा है कि स्थिर पर्वत से आनंद प्रवाहित सदा, अर्थात यहाँ का प्रकृति का जो आनंद है स्थिर है ना, आनंद स्थिर है, प्रवाहित है, सुखमय है ना। कवि ने क्या बताया गया कि जिस प्रकार से आनंद के माध्यम से आनंद प्रवाहित है, सदा शांति भरती रहती है, यहाँ का आनंद सुखमय है, तो भाव को व्यक्त कर रहा है। और कवि कह रहा है कि हाँ प्रेम का राज्य एकदम सुंदर अति सुंदर, और जो प्रेम का राज्य है काल के अति सुंदर है और मन को भाने वाला है, बहुत ही सुंदर है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं करते हैं, कर सकते हैं ना। कवि उसकी कल्पना करते हुए भाव व्यक्त करते हुए बताने का प्रयत्न कर रहा है कि यहाँ पर सदा सबको शांति बनी रहती है, आनंद की प्राप्ति होती है वो अस्थिर रहती है, होती है इसी के साथ यहाँ का जो प्रेम का भाव है अति सुंदर है ना, तो बहुत ही सुंदर है, इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। इस प्रकार से ध्यान की हम पूर्ण व्याख्या पूर्ण हो जाती है।